इसको ना दम लगा के पानी के साथ मिलाना पड़ता है। गुड़ तो डाल दिया मैंने इसमें, और मुझे लग रहा है गुड़ में बालू या और जो खोआ का भरावन हमने बनाया है, ये खोआ का मिक्सचर इसमें डाल दिया है। स्वागत है। आज है मार्गशीर्ष महीने का आज लास्ट गुरुवार है, और गुरुवार में हम लोग महालक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं। तो आज जो भोग लगने वाला है, क्या लगने वाला है मैं आप, तो चलिए भी क्या आज मैं क्या भोग लगाने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पूरियां बना लिया है, और इसको अभी चल रही हूँ भोग लगाने के लिए। आज बहुत सारा भोग लगता है, तो ये देखिए और ये देखिए छोटे बड़े साइज में मैंने पूरी बना ली है। अभी चलिए चलते हैं, वो भोग बनाएंगे प्रसाद जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी। बहुत ज्यादा ठंड है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ मंडा पीठा, जो कि हमारे हर त्योहार में जब भी पूजा पाठ होता है तो मंडा पीठा जो है कंपलसरी हो जाता है। पहले तो मैं हर गुरुवार में बनाती थी मंडा पीठा, लेकिन आजकल बस एक ही गुरुवार, लास्ट गुरुवार में मंडा पीठा बनाती हूँ। आज हर कोई बनाया होगा अपने घर में मंडा पीठा। मंडा पीठा बनाने से पहले हस्बैंड के डिमांड पे मैं बना रही हूँ ये ब्लैक टी। ब्लैक टी ही हम लोग पीते हैं, तो ये ब्लैक टी बनते बनते चलिए कुछ काम कर लेते हैं। ये है इलायची और लौंग, इसको भी पीस लूंगी। ये पाउडर बन गया है, तो थोड़ा सा ये जो इलायची का पाउडर है खीर में डाल दूंगी, और थोड़ा सा जो मंडा पीठा में यूज करूंगी। चाय भी रेडी हो गया है, तो चलिए थोड़ा सा पी लेते हैं। मंडा पीठा बनाने के लिए हमें चाहिए ये देखिए पानी, यहाँ पर मैंने रख दिया है सौंफ, ये सूजी थोड़ा सा, और यहाँ पर गुड़ या शक्कर कुछ भी ले सकते हैं, नमक थोड़ा सा चाहिए हमें, और ये खोया, या फिर आप इसमें नारियल भी दे सकते हैं। और हमें आटा भी चाहिए, आटा मेन इंग्रेडिएंट्स है, सूजी से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सौंफ डाल रही हूँ, अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और अभी डाल दूंगी गुड़ या शक्कर। डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि पानी और गुड़ अच्छे से मिल जाए। और गुड़ पानी में मिल गया है, और मुझे लग रहा है जब मैं ये मैं चला रही हूँ तो नीचे मुझे लग रहा है थोड़ा सा बालू है गुड़ का जो, तो इसको मैं ऊपर ऊपर से इसको पानी निकाल लूँगी। चाहे तो आप छान सकते हैं, लेकिन हमने सोम डाल दिया है तो इसीलिए मैं क्या करूँगी ऊपर ऊपर से ऐसे ही डाल दूँगी, तो ये बालू जो है निकल जाएगा। और यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा सा बालू जैसा है, तो ये निकल गया। अभी इसको धो के फिर से ये पानी को मैं इसमें डाल दूंगी, अच्छे से हाथ लगाकर मैं इसको धो दूंगी, ताकि अगर कुछ भी होगा बालू कुछ भी लगा होगा तो निकल जाएगा। और पूरा साफ हो गया है कढ़ाई, और धीरे से फिर इस ये जो पानी है इसको फिर से ट्रांसफर कर दूंगी। ये देख पा रहे हैं, ये जो है बालू जैसा कुछ है। ये देखिए पानी अभी खोलने लगा है, तो अभी मैं ये जो सूजी है सूजी को अभी डाल दूंगी, और अच्छे से इसको इमीडिएट हमें चला लेना है, नहीं तो गुठलियां हो जाएगा।
पानी अच्छे से खोलने लगा है अभी सूजी डालने के बाद, तो अभी मैं आटा को इस तरह से डाल दूंगी, अंदाज से डाल रही हूँ, कोई माप वगैरह नहीं है क्योंकि करते करते प्रैक्टिस हो गया है, अच्छे से जानते हैं। और अभी धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे, नहीं तो ये गुठलियाँ हो जाएगा ये आटा जो है। इसको दम लगा के इसको अच्छे से ना मिलाना पड़ता है पानी के साथ। और ये हो गया है कंप्लीट, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ढककर रख दूंगी। चलिए इस खोए को रेडी कर लेते हैं। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा शक्कर, मैं थोड़ा सा ये इलायची पाउडर, और अच्छे से इसको मैं हाथ से इस तरह से मिला लूंगी। अच्छे से शक्कर, खोआ और इलायची पाउडर को ये देखिए मिला दिया है मैंने। ये जो गैस चूल्हा है ये गंदा हो गया है, तो इसको चलिए अभी साफ कर लेते हैं। गैस भी साफ हो गया है, तो चलिए फिर बनाते हैं मंडा और पीठा। इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी, जो गर्म पानी और आटा सूजी डालकर बनाया है इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी। तो ये खड़ी जो है इसको मैंने एक प्लेट में ले लिया है, इसको अभी चिकना करना है। चिकना कर लूंगी मैं, थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, तेल या घी कुछ भी। और देखिए ये जो खड़ी है ना बहुत ही अच्छा बना, ये अच्छे से चिकना हो गया है ये देखिए। और जैसे हम लोग बनाते हैं ना रोटी पूरी वगैरह बनाते हैं, लोइयां जो निकालते हैं इस तरह से, इसका ना लोइयां निकाल लूंगी मैं, छोटा बड़ा साइज कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज रख रही हूँ, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, और भगवान के लिए बनाऊंगी तो छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा साइज का बनाऊंगी। और इसको अच्छे से गोल कर लेना है। और मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत सारा बनाना है, तो खड़े होकर इतना सारा नहीं बना सकती, तो बैठ गई हूँ। और देखिए लोई लिया है मैंने, और यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ, यहाँ ये मंडा बना रही हूँ अभी मैं। ये हो गया है ये देखिए, और जो हमने बनाया था ये जो खोया का मिक्सर जो हमने रेडी किया था, अभी इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ। ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो ये फट जाएगा और हमारा तेल खराब हो जाएगा, मंडा भी खराब हो जाएगा। थोड़ा सा ही खोया मैंने रख दिया है इसमें, और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। जितना साइज जो भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंडा जो हम लोग बनाते हैं गोल बनाते हैं, ये देखिए मोदक के जैसे बना लेना है, और इसको इस तरह से यहाँ पर चिपका देना है, और इसको अच्छे से इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे, गोल 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 घुमा लेंगे, और अच्छे से थोड़ा सा इसको साइज दे देंगे, और ये हो जाएगा हमारा मंडा रेडी। और ये देखिए कितना सुंदर बन गया है हमारा मंडा। और ये जो देख रहे हैं ये सौंफ है, ये काला काला ये मंडा है। और ये पीठा छोटा साइज का मैंने बना लिया है भगवान के लिए, क्योंकि बहुत सारा भोग लगाना पड़ता है ना, और नहीं प्रसाद अगर आप खाएंगे तो पाप भी लगता है, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा साइज में इस तरह से मैंने मंडा और पीठा बना लिया है। और ये देखिए ये बड़ा साइज का मंडा जो मैंने आपको बना के दिखाया था, यही है। तो इतना सारा मुझे अभी बनाना है। यहाँ पर मैं ये जो मंडा है ये तल रही हूँ, और नीचे देखिए यहाँ पर मैं इसको बना भी रही हूँ ताकि एक साथ काम जल्दी हो जाए। पीठा को तलेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे मंडा तेल में, नहीं तो ये फट सकता है, फट जाता है ऐसे भी। और ये देखिए चार ही मंडा मैंने इसमें डाली है, और बहुत अच्छे से हमारा मंडा बन रहा है, देखिए फट भी नहीं रहा है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मंडा बन रहा है, देखिए रेडी हो गया है और कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से हमें डीप फ्राई कर लेना है, और पूरा डीप ब्राउन कलर कर लेना है, यानी कि लाल लाल कर लेना है। और यहाँ पर टिश्यू डाल दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं रख रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पीठा कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए एक लोई मैंने ले लिया है, इसको अच्छे से गोल गोल पूरा जैसे रोटी का लोई होता है ना, थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज का लिया है, मतलब मीडियम साइज का, इसको इस तरह से
बीच से इस तरह से कर लीजिए। और इसमें जो हमने भरावन बनाया है खोया का, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी मंडा की तरह बना लूंगी। ये देखिए ऐसे। और जो ये ऊपर का हिस्सा है आप इसको तोड़ भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो इसको इस तरह से दबा लीजिए। और अभी हमें इसको अच्छे से ना बंद कर लेना है। ये देखिए रहे हैं, ये है मंडा। तो अभी हम बना रहे हैं पीठा, तो इसको मैं अच्छे से इस तरह से गोल गोल बना लूंगी और इसको थोड़ा सा पिचका दूंगी। ये देखिए इसको थोड़ा सा हाथ से पिचका दूंगी। और बिना भरावन का भी पीठा बनता है, तो ये जो खोया या नारियल नहीं डालने से भी होता है, इसको मोटा मोटा बेलकर किसी गिलास से या कटोरी से भी काट लेने से अच्छा बनता है पीठा। तो ये हो गया पीठा, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मंडा। तो ये हमारा पीठा और मंडा। रेडी हो गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा है, तो अभी मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।